हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भील समाज के कई सालों से लगभग कई पीढ़ियों से शमशान भूमि के उपयोग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों पूर्व में इस भूमि पर मानाराम और केसाराम जाति कल्बी ने शमशान भूमि का रास्ता बंद कर दिया है। कुछ दिन बाद हमारे भील समाज के वर्ग छोगाराम की सम्मान्य मौत हो गई, जब समस्त भील समाज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि ले जा रहे थे। तब मौके पर उपरोक्त व्यक्तियों ने बड़ी दीवार बना रखी थी, जिस पर भील समाज ने विरोध किया तो विपक्ष ने पुलिस प्रशासन को बुलाया तथा 12 घंटे तक उस कुदरती पार्थिव शरीर को बीच रास्ते में रखा गया, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का प्रतीक था। 12 दिन बीत जाने के बाद आखिर पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद उस दीवार को पुलिस के हाथों तुड़वाया तथा उस पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार करवाया गया। भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए हमें उस शमशान भूमि का, जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है रास्ता है, जिन पर इन चौधरी जाति के मानाराम और केसाराम ने अपने प्रभाव के कारण अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया था, प्रशासन ने आकर दीवार को तोड़कर उक्त रास्ता मौके पर खुलवाया। इसको लेकर आज गुरुवार को जालौर आकर जिला कलेक्टर बीएल कोठारी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान गड़ुका राम, मगना राम, चतरा राम, माला राम और दुर्गा राम सहित काफी संख्या में भील समाज के लोग मौजूद थे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।